हेलो एवरीवन वेलकम टू डे इस वीडियो जल्दी से चलते हैं चार्ट की साइड एंड देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है काफी सारी नई चीजें देखने को मिल रही है हम इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि बीटीसी में हल्का सा डंप आ रहा है बट इस जगह पे मैं एक लॉन्ग प्ले करूंगा जैसे कि मैं दो दिन से आपको बता रहा हूँ कि हम एक लॉन्ग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं तो वो लॉन्ग क्या होने वाला है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में साथ ही साथ हमारी लास्ट कुछ दिनों की वीडियो जिनमें हमने आपको शॉर्ट्स दिए थे वो हमने क्लोज कर दिए उसका अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिल गया होगा तो हम यहाँ पे लाइव आपके सामने एक नया लॉन्ग खोलते हैं एंड देखते हैं कि हम उसे किस तरीके से मैनेज करेंगे उसके पीछे रीजनिंग क्या है एंड आने वाले दिनों में मार्केट्स कहाँ जाने वाला है ऑल तो हम सबसे पहले देखते हैं बिटकॉइन के चार्ट को तो फोर आर का चार्ट है बिटकॉइन का एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि कल की अपडेट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मूविंग एवरेज रिजेक्शन जो है कंटिन्यू कर रहा है बेबी मूविंग एवरेजेस को लगातार रिजेक्ट कर रही है और आप देख सकते हो व्हाइट कलर की टेन डे ई एम ए है एंड ऑरेंज कलर की ट्वेंटी डे मूविंग एवरेज है तो दोनों उसको रिजेक्ट कर रही है डेली मूविंग एवरेजेस है तो इसके ऊपर डेली में जब प्राइस क्लोजिंग होगी तब जाके ये इनवैलिड होंगी तब तक के लिए एज अ रेजिस्टेंस ये काम कर रही है अब यहाँ पे एक और क्लीन चीज आपको दिख रही होगी कि एक ट्रेंड लाइन टाइप का बन रहा है एंड ये ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट यहाँ पे काम कर रहा है ऊपर से भी हम एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं एंड ये कुछ इस तरीके से बनेगी तो इस रेंज में इस टाइम पे बिटकॉइन मूव कर रहा है अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम एक लॉन्ग लेना चाहें तो उस लॉन्ग की एंट्रीज कहां पे होंगी वो लॉन्ग का एंट्रीज होंगी करंट प्राइस से लेके इस एरिया में एंड उसकी जो प्रॉफिट टेकिंग होगी वो इस एरिया से ऊपर होगी यहां पे आप देख सकते हो कि अच्छा खासा एक जोन है जो कि एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है तो इसके ऊपर एंड इस प्राइस पॉइंट पे 19400 के आसपास हम प्रॉफिट्स ले सकते हैं बट भाटा में पता है कि बिटकॉइन इस टाइम पे किस चीज के साथ लीड कर रहा है बिटकॉइन डोमिनेंस पे एंड बिटकॉइन डोमिनेंस में पे, पे क्या देखने को मिल रहा है हल्का सा यहाँ पे स्लो डाउन देखने को मिल रहा है हम रिजेक्शन ले रहे हैं यहाँ पे टेन डे मूविंग एवरेज से एंड थोड़ा सा ट्वेंटी डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है टेन डे मूविंग एवरेज जब तक इसको दे रहा है तब तो यू कैन गो इधर लॉन्ग ऑन ऑल्ड कॉइन और ऑन मेरा पर्सनली बेटक पे एक लॉन्ग चल रहा है एंड मैं फिलहाल थोड़े ऑल्ड कॉइन पे भी लॉन्ग ले रहा हूँ हमारे शॉर्ट्स ऑलमोस्ट सारे के सारे ट्रेलिंग एस को हिट कर गए हैं एंड हमने उनमें अच्छा प्रॉफिट निकाल लिया है अब हम थोड़े लॉन्ग्स की साइड देख रहे हैं तो करेंटली जो लॉन्ग हम इस टाइम पे देखेंगे वो रहेगा इथेरियम का एंड क्यों होगा एंड किस तरीके से आपको बता देता हूं तो एसपीएक्स की साइड चलते हैं जो कि यूएस का स्टॉक मार्केट इंडेक्स है एंड इससे काफी इन्फ्लुएंस होता है क्रिप्टो मार्केट भी तो हम देखने की लगातार क्रिप्टो, क्रिप्टो मार्केट भी जो है ऊपर गया था तो उसी तरीके से ये फॉलो करता है ऑलमोस्ट सेम टाइप की मूवमेंट होती है इसमें अब फिलहाल क्या है एसपीएस यहाँ पे अपना सपोर्ट ब्रेक कर रहा है लेकिन इसके पास थ्री हंड्रेड के पास टू वीकली मूविंग एवरेज है जो सपोर्ट यहाँ पे काम कर सकता है प्लस यहां पे एक डबल बॉटम बन रहा है तो दो चीजें हैं जो कि इसको एक बुलेसन की साइड पुश कर सकती है लेकिन ये चांस होता है कि जिस तरीके से खुला है उस तरीके से बंद नहीं होगा तो नेगेटिव में खुला है तो इज अ गुड चांस की हम एंड ऑफ द डे में एक बाइंग देखेंगे क्योंकि वॉलिडिलिटी का इंडेक्स होता है वॉलिडिलिटी हमें एक्सप्लेन करता है थर्टी सिक्स फिफ्टी के आसपास आई थिंक ये क्लोज होना चाहिए इसका मतलब है कि एक छोटा यहां पे पे पंप पंप आएगा जिस पंप को हम राइड करके अपना स्कैल्प लॉन्ग ट्रेड यहां पे करेंगे तो इथीरियम का मैंने ऑलरेडी वो लॉन्ग इन कर दिया है 7.5x लेवरेज है फिलहाल मैंने छोटी पोजीशन ली है इतनी बड़ी पोजीशन नहीं ली है एंड आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट आ गया है अगर इथीरियम थोड़ा और गिरता है 1295 उसके आसपास मुझे लगता है कि यस मार्केट इज फेवरेबल तो मैं शायद पोजीशन थोड़ी इंक्रीज भी कर दू अब तक के लिए लेट इट कैरी ऑन ठीक है ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि काफी टाइम से ब्लीडिंग हो रही है तो थोड़ा ऊपर भी जाना चाहिए ये इट्स अ रिस्की ट्रेड तो प्लीज अपने हिसाब से रिस्क मैनेज करके लेना ऐसा नहीं है कि मैंने ले रखा है तो आपको भी ट्रेड लेना है इट्स अ रिस्की की ट्रेड चूंकि इधर वे जा सकता है इसलिए पहले ही बता रहा हूँ मैटिक वाला हमारा थोड़ा ऑलमोस्ट गारंटी ट्रेड था तो हमने वो ढंग से लिया था इसीलिए का ट्रेड सेटअप क्या रहेगा हमने रीजन आपको बता दिया है यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है एंड डबल बॉटम इज यूजली अ रिवर्सल पैटर्न तो आई डोंट थिंक बड़ा रिवर्सल आएगा क्योंकि फोर आर के टाइम फ्रेम पे बन रहा है लेकिन थोड़ा बहुत रिवर्सल आता है एंड वो हमें एटलीस्ट ट्वेंटी डे मूविंग एवरेज तक लेके जाता है तो दैट स्टिल अ फिफ्टी डॉलर डिफरेंस जहाँ पे हम छोटा सा अपना लॉन्ग लेके उसको प्ले कर सकते हैं आप उसको ट्रेड भी कर सकते हो स्पॉट में लेकिन आई थिंक लॉन्ग में यहां ज्यादा सेंस बनाता है बाकी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ सीबीटीसी में जो इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है प्लस यहाँ पे कुछ आने वाली इवेंट्स है जिनके बारे में हमें बात करनी है सबसे पहले तो वेडनेसडे को है सबसे इंपॉर्टेंट फिट के मिनट्स रिलीज होने वाले हैं जो हमें आइडिया देगा कि, कि कितना परसेंट हम इंटरेस्टेड है इस महीने एक्सपेक्ट कर सके इस महीने एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं उसके अराउंड वेरी हाई वोल्टेडिटी होने वाली तो वेडनेसडे इज अ गुड ट्रेडिंग इवेंट तब तक के लिए मार्केट हो सकता है स्लो रहे थर्सडे को आएगा यूएस का सीपीआई एंड लास्ट टाइम हमने था कि सीपीआई के अराउंड बहुत ज्यादा वॉलटाइल मूवमेंट आई थी मार्केट में ऊपर नीचे हुआ था काफी तो वो भी एक अच्छी ट्रेडिंग इवेंट है हमें इससे मतलब नहीं होता है कि क्या इवेंट आता है हमें इससे मतलब है कि हम उसमें ट्रेड कैसे ले सकते हैं वेनेसडे एंड थर्सडे को मार्क कर लो ये आपके पास इंपॉर्टेंट रहेंगे एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर माई अपडेट ऑन दोस्ट दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज होपली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी इफ यू वॉन्ट टू लर्न टेक्निकल एनालिसिस यू कैन चेकआउट माई कोर्स जिसका नीचे आपको लिंक मिल जाएगा ऑलो ऑल्सो यू वॉन्ट टू टेक दिस ट्रेड ट्राई बाई बेट एक्सचेंज जिसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वन